हेलो, आज का क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है सलाजीत, चौंगाटाली और माका, क्या वो यूज़ कर सकते हैं एक साथ? अगर उसको कैसे यूज़ करना है, इनमें से बेटर कौन सा है? माका के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, माका का सेकंड नेम सेक्स ड्राइव है। पूरे वर्ल्ड में इसको यूज़ किया जाता है, हर सेक्स प्रोडक्ट के अंदर माका पाया जाता है। और माका के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमिंग उसके लिए बहुत अच्छा है, और आपका जनरल मूड बेटर करने में। ये नहीं कि आप शादीशुदा अनशादीशुदा, आप कोई भी इसको ले सकता है। इसको कोई भी खा सकता है। आपके ब्रेन का फंक्शन, इम्यून सिस्टम, बहुत से इसमें मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं। तो बात करते हैं सेकेंड, सलाजीत। सलाजीत एशिया में बहुत फेमस है और काफ़ी सदियों से इसको यूज़ किया जा रहा है, मोस्टली एशिया साइड पे। ये हाई माउंटेन में होता है, या हिमालया, काराकोल के पहाड़ों पे, और नेपाल साइड पे, और रशिया में होता है, ये पाई जाती है। और डिफरेंट कंट्री में इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ब्लैक और ब्राउन कलर में होती है सलाजीत। उसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट काफ़ी हैं। इससे आपकी हेल्प करता है, आल्सो आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए, सेक्सुअल के लिए भी हेल्प करता है। आपको एक जनरल एनर्जी करता है, और आपके मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये सब इसके फ़ायदे हैं। और इसके मीन इसको डिफरेंट डिफरेंट वे लोग लेते हैं। एक जनरल आपको पावर ये भी करता है सलाजीत। अच्छा एक नेचुरल सोर्स है पावर लेने के लिए। और इसको और माका को आप दोनों इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे माका और सलाजीत दोनों इकट्ठे आप यूज़ कर सकते हैं, और उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको डबल अफेक्ट होगा, डबल फ़ायदा होगा। अभी बात करते हैं इसके अलावा, इसमें क्या होता है सलाजीत के अंदर। इसके अंदर क्योंकि सलाजीत के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने हर चीज़ लिख के बताई है। इसमें 20% आपके मिनरल्स होते हैं, 15% इसमें ये यानी कि आपका प्रोटीन होता है, 5% इस पे लिपोड्स होते हैं ग्रासा जिसको, और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, काफ़ी इसमें चीज़ें हैं सलाजीत के अंदर। और इसके फंक्शन, अगर आप सलाजीत लेते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? फर्स्ट ऑल, आपको वेट लूज़ करने में या वेट बढ़ाने में हेल्प करता है। सेकंड, आपको अगर आप अल्जाइमर के मरीज़ हैं उसके लिए काफ़ी हेल्प करता है, और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छा है, ये काम करता है ये भी। और माका के साथ अगर करते हो डबल फ़ायदा होगा। माका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस पर ऑलरेडी कितने लोगों ने फ़ायदा हुआ है ये आपके सामने ऑलरेडी प्रूफ है। और माका को हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ। अभी बात करते हैं टोंगाटाली। ये भी एक एशियन हर्ब्स है, नेचुरल है। ये आपको फिलिपीन, इंडोनेशिया, चाइना साइड पे आपको मिलता है ये प्लांट। और ये भी प्लांट आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा है, हार्मोन, जिनको हार्मोन का ट्रबल हो उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप बोलें इनको तीनों को अगर यूज़ करना हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा तीनों को यूज़ करना। आप माका और सलाजी यूज़ करते हैं इसको आज बात सेपरेटली, करेंगे और ये भी काफी फायदेमंद है। टुंगा टैली पे। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जो भाई का क्वेश्चन था, माका सलाजीत और टुंगटली क्या इसको इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं और किस टाइम कर सकते हैं, ये इनका एक क्वेश्चन था। माका और सलाजीत पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट पे, जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी। और आज बात करें टुंगटली पे। टुंगटली क्या है? ये एक नेचुरल हर्ब है, नेचुरल प्लांट है, जो बोर्न होता है फिलिपिन और इंडोनेशिया इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये ग्रो होता है। और इसको काफ़ी सेंचुरी पहले इसको यूज़ किया गया। इसको यूज़ करते हैं, फर्स्ट इसका मेन फंक्शन होता है हार्मोन बैलेंस का। आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, अगर आपको डिप्रेशन है उसके लिए हेल्प करता है, वीकनेस के लिए। और उसको काफ़ी मलेरिया के लिए भी बहुत यूज़ किया गया है इस प्लांट को। और आपका मसल बिल्ड करता है, इसके फ़ायदे जो हैं। और इसके अलावा आपको फैट बर्न करने में हेल्प करता है ये प्लांट। और इसका इसको डिस्कवर किया जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है, उनमें एक इनके एक पावर पाई गई है, सेक्सुअल पावर। अपने आप को बेटर फील करते हैं, मतलब इसको टेस्टोस्टेरोन जो आपके सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी फ़ायदा होता है। इससे थोड़ा टाइम लगता है, मगर इसमें फ़ायदा होता है। और अगर आप बोलें इसको सलाजीत और माका, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ करनी, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये तीनों काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, जो आपके बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। आप माका और सलाजीत को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, उसका डबल फ़ायदा, डबल अफेक्ट होगा आप पे, जो ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको ये यूज़ करना है तुंगतली, ये जब आप उसका कोर्स ख़त्म कर लें, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जब आप माका यूज़ करते हैं, नॉर्मली आपको नीड नहीं है, मगर जैसा कि आपका क्वेश्चन है, मैं उसके मुताबिक आप बता रहा हूँ कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उस सलाजीत माका के बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है अपना, ज़्यादा अपने आप को यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस प्लान के बारे में बता सकता हूँ जो इसके मेन पॉइंट हैं। अगर इसके अलावा और आपका क्वेश्चन हो यू मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बाजू का आपको नौसिया, डेजनेस, ड्राइनेस ये महसूस होता है, गले का सूखना, ये इसके नुकसान हो सकते हैं, वो भी कुछ लोगों को। और वेरी इंपॉर्टेंट है आप जो भी यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते, आपकी लाइफ हेल्थी लाइफ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हाइड्रेट, अपने आप को पानी पिए, 2 से 3 लीटर पानी, 7 से 8 घंटे आपको स्लीप चाहिए, और ट्राई कीजिए थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए लाइफ में, फास्ट फूड और जंक फूड से थोड़ा परहेज कीजिए, रात को लेट नाइट फूड मत खाएं, अपने आप आपकी बॉडी खुद अपने आप को यानी कि हर चीज़ को बैलेंस करेगी, क्योंकि आप बॉडी पे ज़्यादा वजन डालेंगे विदाउट एनी उसको यूज़ करेंगे, अनबैलेंस लाइफ यूज़ बनाएंगे तो सब आपकी यानी कि लाइफ का सर्कल एक ख़राब हो जाता है। कोशिश की लाइफ को नॉर्मल लेके चले।